नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सरिता गुप्ता, आपके अपने कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। 4 अगस्त 2017, आज आपका दिन कैसा रहेगा, किसके क्या शुभ है और क्या अशुभ रहेगा, क्या करें और क्या ना करें। चंद्रमा आज धनु राशि का है, शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि है और मूल नक्षत्र है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। दैनिक कार्यों में सफलता के योग हैं, नए विचार या नए अनुभव या नए तरीके मिलेंगे। यात्रा का योग है, पुरानी कोई परेशानी या समस्या दूर होगी। चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में भाग्य साथ रहेगा और प्रेम संबंधों में भी सफलता के योग हैं। वृष राशि, जोखिम और जल्दबाजी में सारे काम बिगड़ सकते हैं, कोई भी बड़ा फैसला ना लें, खर्चा बढ़ सकता है और ध्यान रखें और खुद पर भरोसा रखें। पढ़ाई के लिए उत्तम समय है, पुराने रोग से छुटकारा मिल सकता है। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के योग है, नई योजनाओं पर काम करने से सफलता मिलेगी। चंद्रमा सप्तम में है, आप पार्टनर से लाभ के योग हैं और पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ आपका साथ मिलेगा, अपने किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा पढ़ाई में ध्यान भटके और घूमने फिरने की तरफ ध्यान ज़्यादा जाए, किसी लंबी चली आ रही बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। कर्क राशि, सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा, मान सम्मान व लाभ के योग हैं, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, पढ़ाई में अच्छा रहेगा, हो सकता है कि रात को आपको नींद कम आए। सिंह राशि, कड़ी मेहनत व कठोर परिश्रम से कार्य प्राप्ति के योग है, ऐसा है, हो सकता है परोक्ष रूप से कोई भी कार्य आसान नहीं है, पर अगर आप मेहनत करते हैं तो वह कार्य वो आसान बना सकते हैं। पिछले कई दिनों से अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो आज उसको कार्यान्वित करने का समय आ गया है, बिगड़े काम सुधरेंगे। आज का दिन आपके लिए सुधरने के लिए बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कन्या राशि, आज हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए शुरुआत में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, किसी व्यर्थ के चक्करों में ना पड़े और अपने काम को सीधे तरीके से करें और निवेश में सावधानी बरतें। कार्यस्थल पे हो सकता है कुछ तनाव रहे। तुला राशि, यात्रा से लाभ, हो सकता है वाहन पर कुछ खर्चा हो, कुछ लाभकारी समाचार मिलेगा, पढ़ाई उत्तम और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि, हो सकता है किसी से धोखा मिले, सावधान रहे, सतर्कता बरते, पारिवारिक सुख शांति रहेगी और अब संतान से हो सकता है कुछ शुभ समाचार मिले, उसकी शिक्षा को लेकर आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा, परेशानी दूर होगी। धनुराशि, कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, संबंध सुधरेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा और पड़ोसियों से भी संबंध सौहार्दपूर्ण या अच्छे रह सकते हैं। मकर राशि, थोड़ी छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, कार्य में सफलता के योग, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें घर में है, मानसिक शांति बनी रहेगी, हो सकता है थोड़ा सा नींद में खलल पड़े, बाकी सब बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि, हो सकता है कोई आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो जाए, व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे, पढ़ाई में खूब मन लगेगा और सारे काम को आप सरलता से कर पाएंगे। मीन राशि, आज के लिए आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है, किसी अपने टीचर या धार्मिक गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको ऐसी सलाह देगा जिससे आपका कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। पार्टनरशिप के भी में भी बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखें। धन्यवाद।